अभी आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मौसले की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद हौस, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के खिलाफ स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट होने के बाद उनका सीट कैंसिल कर दिया गया, और जब इस मामले में कॉलेज के आला अहदेदार से पूछा गया तो वो इस मामले में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि वो लोग ने कॉलेज की फीस भी पे कर दी है और कॉलेज का फर्स्ट वीक भी अटेंड किया है और नवंबर में फर्स्ट सेमिस्टर्स है। बताया जा रहा है कि अभी तक इस तरह से 6 से 7 हज़ार स्टूडेंट्स की सीट कैंसिल कर दी है। स्टूडेंट्स ने मुतालिबा किया कि उन्हें उनकी सीट वापस दी जाए, वरना वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। मोहम्मद जियाउद्दीन के साथ मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। मेरे को थर्ड फेज में सीट आया, सेवेंथ को आया और टेंथ को कैंसिल हुआ। मेरे को सीट होना, मैं फी पे कर लिया और क्लासेस भी अटेंड हुआ। हमको थर्ड सेमेस्टर नवंबर में है, हम क्लासेस मिस कर रहा। ये दोस्त लोग सीट नहीं दे रहा, अभी क्या कर। कितनी फीस पे करे आप? 15,000 पे कर दिया कॉलेज में। आप क्लास अटेंड करे अभी तक? हाँ, अटेंड करा, वन वीक अटेंड करा क्लास। वन वीक अटेंड करने के बाद क्या बोले लोग? कैंसिल मैसेज आया 17th को, सीट कैंसिल हुआ बोलते। कैंसिल होने का रीजन क्या है? रीजन नहीं बोल रहा। अभी तक नहीं बोला रीजन। मैं बात करता था, इनका नाम पूछा। मेरा नाम श्रीनिवास है, मैं यहाँ ओल्ड बोइनपल्ली में रहता हूँ। ये लोग फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज बोले। फर्स्ट फेज में नहीं आया, सेकंड फेज में नहीं आया, थर्ड फेज में आया। थर्ड फेज में आया, मैं डॉक्यूमेंट सबमिट करा, 10,000 बन दिया कॉलेज में। डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने के बाद चार दिन कॉलेज को गया तो फोर्थ डे के नाइट मेरे को ये यूर सीट इज कैंसल्ड इन केशव मेमोरियल बोल के आया। मैं कॉलेज में जाके पूछा तो ऐसा एक ऑफिस है मासअप टैंक में, उसमें जाके पूछे बोल तो ये लोग बोल रहे सी मामला काई को सीट कैंसिल हुआ बोल के पूछे थे ना, बोल रहे कुछ रीजन नहीं बोल रहे इन लोग। ये सीट काई को कैंसिल हुआ पूछे तो कुछ रीजन नहीं बोल रहे। किसमें लिया? मैं केशव मेमोरियल नारायणगढ़। तो कौन से उस ग्रुप में बोलता है? बीकॉम जनरल में। तो वहाँ पर कैंसिल हो गया बोल रहे हैं? वहाँ पर कैंसिल हुआ, हमारे को उस कॉलेज में सीट होना। हाँ, ये काई को कैंसिल हुआ कुछ रीजन नहीं बोले। कुछ रीजन तो भी पता हो, नहीं तो वो कॉलेज में सीट दे दो। कितने बच्चों का कैंसिल हुआ सर? मैक्सिमम एक 6-7 thousand का तो ऐसा ही हुआ। थर्ड फेज में जो लगाया ना उसका तो मैक्सिमम ऐसा ही हुआ। 6-7 thousand पीपल्स का, 8 degree स्टूडेंट्स। तो अभी क्या चाह रहे हैं फिर आप? आपको सबको कॉलेज में सीट आना भैया, एक को आके एक को नया ना बोल के नहीं, सबको सीट आना। जो डिग्री कर रहा ना उन लोगों को सबको सीट आना। सेम कॉलेज में जो उसमें अलॉटमेंट हुआ, ओटीपी कंफर्म हुआ ना, उसमें हम लोगों को सीट होना। ठीक है। फर्स्ट फेज में अलॉटमेंट नहीं हुआ, फिर सेकंड फेज में डाले अलॉटमेंट नहीं हुआ बीकॉम कंप्यूटर्स में। फिर कॉलेज लोग बोले कि थर्ड फेज में जर्नल में डालिए, तो थर्ड फेज में जर्नल में डाले सरोज नायडू वनिता में। फिर 9 अगस्त को अलॉटमेंट हुआ सीट, फिर हम कॉलेज को गए अलॉटमेंट निकाल। कौन सा कॉलेज आपका? वनिता कॉलेज। अलॉटमेंट लेटर निकालने गए तो अलॉटमेंट लेटर नहीं निकल रहा था। इतने दिन सर्वे नहीं आ रहा बोले। ऑन 17th अगस्त को सर्वे आया तो अलॉटमेंट लेटर निकालने गए सीट और नॉट अलॉटेड बोला, और फोन में मैसेज आया योर अलॉटमेंट इज। आप फीस पे करे? आप फीस नहीं पे करे, अलॉटमेंट लेटर ही नहीं निकल रहा। योर ओटीपी आया अलॉटेड बोल के, पर अलॉटमेंट लेटर नहीं निकल रहा। फिर 17th अगस्त को नाइट 10:30 को ऐसा मैसेज आया कि अलॉटमेंट इज कैंसल। फिर हम कॉलेज को गए तो कॉलेज में सर प्रिंसिपल लोग बोले कि मासअप टैंक पे हायर एजुकेशन ऑफिस है, वहाँ जाके पूछिए। यहाँ आके पूछे तो इन लोग रीजन नहीं बोल रहे क्यों कैंसिल हुआ। तो 24th अगस्त को आता बोल रहे से हमको सेम कॉलेज में एडमिशन चाहिए। पूरे डिग्री के अलावा बीकॉम जनरल में। तो क्या भी चाह रहे हैं क्या फिर आप? सेम कॉलेज में एडमिशन होना वनिता में। ठीक है। स्टूडेंट आदित्य है, उसका थर्ड फेज में अलॉटमेंट हुआ 9th को, और 10th को हम लोग फीस भरने के लिए कॉलेज गए थे। तो उधर तब तक वेबसाइट क्लोज था, देन कॉलेज पीपल वो लोग बोले कि फीस पे करके एडमिशन लेके कर लो बोल के सब किए। 17th को ऐसे ही नेट में मैसेज आया योर एडमिशन स्टैंड कैंसल्ड बोल के, नो रीजन असाइंड, कुछ भी नहीं है। ऐसे जाओ बोल के बोले से कहाँ जाएंगे वो स्टूडेंट? किसमें एडमिशन लिए आपके बच्चे? बीकॉम।
बीकॉम में बागलिंगमपल्ली अंबेडकर कॉलेज में, बागलिंगमपल्ली अंबेडकर कॉलेज में। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो लोग अभी एडमिशन कैंसिल कर दिया, अभी कॉलेज वाले बोल रहे हैं ये लोग से जाके पता कर लो, अभी हम लोग एडमिशन नहीं दे सकते, जो एडमिशन लिए वो अभी नहीं है बोल रहे। किससे पता करो? बोल रहे दोस्त कन्वीनर से। क्या नाम है उनका? अभी अभी नया आया है, वेंकटाचलम बोल के था पहले। तो उन्होंने क्या बोल रहे आपको? उन्होंने कुछ नहीं बोल रहे, उन्होंने अभी बोल रहे 24th को, 24th को क्यों, 24th तक क्यों वेट करने का है, 21st को कल आज और कल वर्किंग डे है उनको सॉल्व करने का है। कितने बच्चों का एडमिशन कैंसिल हो गया? बहुत से लोगों का हुआ, 7000 हुआ, वो उनको मालूम है स्टैटिस्टिक्स। हमको ओनली अलॉटमेंट कैंसिल हुआ विदाउट एनी रीजन। आपके बच्चे का नाम क्या है? आदित्य। आदित्य बीकॉम में है? बीकॉम, बीकॉम जनरल, बीकॉम कंप्यूटर्स का जनरल, जनरल जनरल। अभी क्या चाह रहे हैं फिर आप? अभी क्या चाह रहे हैं? वही कॉलेज में दो, जो अलॉटमेंट हुआ वही कॉलेज में दो बोल के बोल रहे हैं हम लोग, वही चाह रहे हैं। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।